नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं जो आपके गाड़ी के ब्रेक्स क्या होते हैं, बारिश में बहुत सी प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो पहला चीज़ क्या होता है कि आप जब ब्रेक को मारते हैं फर्स्ट टाइम तो उसमें एक घर्षण की आवाज़ आती है रगड़ने की, या और आप हैंड ब्रेक में गाड़ी रखते हैं और हैंड ब्रेक डिसइंगेज करते हैं और गाड़ी को जब आगे बढ़ाते हैं तो पीछे के चाक्स जाम होने की और ब्रेक्स तो टूटने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो आज उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस और क्या करना चाहिए जिससे आपके ब्रेक में या दिक्कतें ना हो, इसलिए हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहे हैं। आपको आगे वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके गाड़ी के ब्रेक्स को आप कैसे मेंटेन करें इन बारिश के सीज़न में। आप किसी भी सर्विस सेंटर या वर्कशॉप में अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराते हैं तो ये चीज़ें आपको आपके ब्रेक्स के साथ कंपलसरी अभी बारिश में करवानी ही चाहिए जिससे आपके ब्रेक प्रॉपर वर्किंग करेंगे और आपके ब्रेक से आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा ज़बरदस्ती में। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको कैसे क्या करना है जिससे आपके ब्रेक को लेके कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना जाए और ब्रेक प्रॉपर वर्किंग करे। अगर ब्रेक टाइम पे वर्किंग नहीं करेगा तो आप टाइम से पहले ऊपर जा सकते हैं, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी गाड़ी का हमने व्हील्स को ब्रेक डिस्क से अलग कर दिया है, आप ये डिस्क पे देख रहे हैं लाइनिंग आ गई है पूरी ये इस टाइप की। अभी इसके लिए हम आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे, ब्रेक पैड को कैलिपर से अलग करके ये लाइन्स को कैसे करना है, क्या करना है जिससे जेड्रिक ना हो और ब्रेक पल्स ना हो, आप ब्रेक लगाते हैं तो वाइब्रेशन ना हो और नॉइस ना आए और ब्रेक प्रॉपर वर्किंग करे। फ्रंट साइज है इसका, इसमें आपको इतनी लाइन दिख रही है, आपको बैक साइड दिखाते हैं इसका, या इसका बैक साइड है, दोनों साइड आपको लाइंस मिल रही हैं। तो आप इस लाइंस को हटाने के लिए क्या करना है ये सब चीज़ आगे वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ब्रेक को लेके और ब्रेक में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रियर ब्रेक ड्रम जो होते हैं उसके अंदर जो ब्रेक शू लगे होते हैं उनसे होते हैं, क्योंकि हम रात में हैंड ब्रेक इंगेज कर देते हैं और मॉर्निंग में जब हैंड ब्रेक हम खोलते हैं डिसइंगेज करते हैं तो आपके ब्रेक आपके व्हील्स को पकड़ लेते हैं और ब्रेक शू डैमेज हो जाते हैं या व्हील सिलेंडर फट जाता है या सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम आगे प्रोसेस में आपको बता रहे हैं कि क्या करना है जिससे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हम फ्रंट ब्रेक में काम कर रहे हैं, तो फ्रंट ब्रेक पैड हमने बाहर निकाल लिए हैं गाड़ी के, तो आप ये ब्रेक पैड में देखेंगे ये इस टाइप का कुछ हो गया है, ये एक्सेस चिकना हो गया है। इसे अभी हम रब करेंगे, प्रॉपर ग्राइंड करेंगे जिससे ये आप ब्रेक लगाते हैं तो नॉइस की प्रॉब्लम और ब्रेक पैडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स इसमें ख़त्म हो जाएगी। बारिश में क्या है इनका फूलने की प्रॉब्लम्स होती है जिससे जल्दी वियर हो जाते हैं, घिस जाते हैं और ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करते आपके। आप जहाँ ब्रेक मारते हैं उससे कुछ दूर जाके गाड़ी रुकती है और पैडल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और मॉर्निंग में एक घर्षण की आवाज़ आती है घिसने की ब्रेक लोहे को। तो अब इसी पर प्रोसेस बताते हैं हमको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों कराना चाहिए, ये तो आपको हम बता दिए हैं। क्या करते हैं अभी हम कि पहले इसको हम ग्राइंड करेंगे प्रॉपर ब्रेक पैड को भी और ब्रेक डिस्क को भी जिससे लाइनें क्लियर हो जाएंगी, ये जो लाइन्स दिख रही हैं आपको इस टाइप रेतपाल पेपर से आपको पूरी डिस्क को घिसवाना है, ग्राइंड कराना है, लाइंस को क्लियर करनी है। जिससे आपके डिस्क का रस्ट पूरा प्रॉपर निकल जाएगा, लाइंस क्लियर हो जाएंगी और डिस्क लेवल में आ जाएगी। इसी टाइप आपको ब्रेक पैड्स को भी प्रॉपर दोनों पैड्स को घिसवाना है। देखिए आप ब्रेक पैड्स को हम जब घिस रहे हैं तो ये प्रॉपर क्लियर हो गए, दोनों में अंतर देखिए, ये एक घिसा हुआ है और ये बिना घिसा हुआ है, ये बहुत प्लेन है और ये अब रफ हो गया है। अब हमारे डिस्क और पैड प्रॉपर ग्राइंड करके हो गए हैं, अब इसके आगे हमको इसके कैलिपर पे जाना है। कैलिपर में क्या है, मेन इसके पिस्टन्स होते हैं जो ब्रेक पैड को प्रेस करते हैं और कैलिपर पिन्स होती हैं। अब आपको हम बताते हैं कैलिपर पिन्स और कैलिपर पिस्टन के साथ क्या करना है। जैसे अभी हमने ये कैलिपर पिन्स को निकाल ली, तो इस कैलिपर पिन में क्या करना है कि ये प्रॉपर पिन्स को साफ करना है,
एक बार ग्राइंड पेपर से घिसना है और इसमें न्यू ग्रीस डालना है, ब्रेक ग्रीस जो आता है कंपनी, कोई भी वर्कशॉप या कंपनी में ब्रेक ग्रीस के नाम से, आप कैलिपर ग्रीस के नाम से लेंगे मार्केट में तो वो मिल जाता है, तो उसे ही यूज़ करना है, दूसरा ग्रीस इसमें यूज़ नहीं करना है, जिससे आपके प्रॉपर जब आप ब्रेक पैड को ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कमांड देता है, ये प्रॉपर वर्किंग करते हैं, प्रेसिंग का काम प्रॉपर अच्छे से करते हैं, जिससे आपकी ब्रेक की स्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे आप देखिए, अब इसको हम घिसेंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे, पहले ग्रीस को साफ करेंगे, एक अच्छे कपड़े से हमको इसको पहले साफ करना है, देन इसको ब्रेक रेतमाल पेपर से घिसना है इस पोर्शन को कैलिपर पिन के, जिससे या जो चिकनाहट है इसकी ख़त्म हो जाएगी, और न्यू ग्रीस ऐड करके इसको पोजीशन में डाल देना है। ये सिंथेटिक ग्रीस आता है लुब्रिकेशन वाला, ब्रेक ग्रीस के नाम से, तो इसी का यूज़ आपको करना है। आप ये देख रहे हैं पिस्टन कैलिपर के अंदर ये कितना रस्ट फुल हो गया है, इसकी अगर हम डस्ट साफ नहीं करेंगे तो प्रॉपर ऑपरेट नहीं होगा जब हम ब्रेक प्रेस करेंगे, तो इसी के चलते एक खटखट का नॉइज़ भी आता है, ये प्रॉपर क्लीन नहीं होता काफ़ी टाइम से, तो इसलिए इसको हमको हर सर्विस में ब्रेक पैड्स को इसी प्रकार से सर्विस करानी है, जिससे आपकी ब्रेक की सर्विस अच्छी हो जाएगी और ब्रेक पैड ज़्यादा चलेंगे। अभी हमारे फ्रंट ब्रेक पैड का पूरा काम हो चुका है कंप्लीट, इनको ग्राइंड करके हम रिफिट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको मेन है जो जिससे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं वो है रियर ब्रेक शू, उसकी वर्किंग आपको बताते हैं। अब रियर बग ड्रम निकालने का प्रोसेस चालू कर दिए हैं हम लोग। ग्राम आप देख रहे हैं, अभी रियर ड्रम गाड़ी का हमने रिमूव किया है, ड्रम के लिए ड्रम को बाहर निकाला है, तो इसमें डस्ट देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये क्या होता है, बारिश में जब चल के आती है गाड़ी और आप खड़ी कर देते हैं, हैंड ब्रेक खींचते हैं, तो ये जो डस्ट है आप देखेंगे, इसको अभी हम झुका के इसको गिराते हैं, ये जो डस्ट है ये क्या होती है, फूल जाती है और ये ब्रेक शू के ऊपर में रहती है। अब ब्रेक शू क्या होगा, जब आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो ये हैंड ब्रेक खींचना, एक बार हैंड ब्रेक खींचना, अच्छा ये फैलता है बाहर और ये इस ड्रम से चिपक जाता है। अब ये ड्रम से चिपकता है तो क्या होती है कि ये डस्ट फूल जाती है और इसको पकड़ लेती है। अब जब आप हैंड ब्रेक को डिसइंगेज करते हैं तो हैंड ब्रेक तो इंगेज वहाँ से हट जाता है, लेकिन ये ब्रेक शू है ये चिपका रह जाता है, जिसके चलते आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं सडनली तो ये टूट जाता है, ये पिन टूट जाएगा, ये सिलेंडर फैल हो जाएगा और ये ब्रेक शू का आप देखेंगे ये जो पत्थर है ये वाला इसकी ज्वाइंट छोड़ देता है, तो ये आपको मोटा खर्चा लगता है। फिर गाड़ी आप वर्कशॉप में ले जाएंगे पहली चीज़, तो दूसरा यहाँ पे आपको पूरा ब्रेक शू डालेंगे, सिलेंडर डालेंगे, स्प्रिंग डालेंगे, तो भाई आपको और बताते हैं इसको बचाने के उपाय बारिश में। पहले हम इसकी प्रोसेस बताते हैं क्या करना है जिससे ये ठीक रहेगा। तो पूरी डस्ट को साफ करना है एयर मार के प्रॉपर, देखिए अभी हम बता रहे हैं। देख रहे हैं आप क्लीनिंग के बाद कितना क्लीन हो गया है, फ्रेश हो गया है, प्रॉपर डस्ट इसकी साफ हो गई है। कोई भी जनरली क्या है, आप सर्विस में ले जाएंगे तो आपके फ्रंट ब्रेक जब खराब हो जाते हैं तो सिर्फ कोई भी वर्कशॉप वाला या सर्विस सेंटर वाला आपके ब्रेक पैड चेंज कर देगा, लेकिन रियर ब्रेक को चेंज नहीं करता जब तक इसमें दिक्कतें ना आए। तो आप कभी भी अपनी गाड़ी को सर्विस कराने ले जाएं तो इसका ड्रम खुलवा के इस टाइप से डस्ट को साफ कराना है, ब्रेक शू को यहाँ से घिसवाना है और प्रॉपर इसको यहाँ पे सिंथेटिक ग्रीस या रस्टॉप डलवा के इसको पैक करवाना है। ये हर सर्विस में आप 10,000 15,000 की सर्विस होती है उसमें हर बार इसको कराएंगे तो आपके ब्रेक शू की लाइफ बनी रहेगी और आपको दिक्कतें नहीं होगी। अभी हमने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि आपको क्या वर्कशॉप में कराना है जिससे आपके ब्रेक पैड एंड ब्रेक शू बारिश में आपको लॉस ना पहुँचाए और आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो, गाड़ी स्टेबल चले, स्टेबल रहे।
बट क्या करवाना है ये तो बता दिए, लेकिन आपको भी इसमें करना है, क्या करना है ये आप हमको, हम आपको बताते हैं। ये है आपका हैंड ब्रेक। ये क्या है, सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है बारिश में, जो आपके ब्रेक, जो रियर ब्रेक शू हैं उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है। क्या होता है, जनरली हम घर में जब गाड़ी पार्क करते हैं, नाइट में पहुँचे गाड़ी को, हम हैंड ब्रेक को हम खींचे और छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में आए हैंड ब्रेक डाउन किया और गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है ब्रेक शू चिपके के चिपके रह जाते हैं आपके ड्रम से और वह डैमेज हो जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, अभी बारिश तक आपको हैंड ब्रेक में गाड़ी को अपने घर में पार्क नहीं करना है, आपको गियर का यूज़ करना है। आप जनरली थर्ड गियर में गाड़ी को खड़ी कर दीजिए या रिवर्स गियर में। क्या होता है, आपकी अगर वाल है फ्रंट में तो आप थर्ड गियर में खड़ी, रिवर्स गियर में खड़ी कर दीजिए, और वाल नहीं है, ओपन सरफेस है, तो आप थर्ड गियर यूज़ कर सकते हैं। आजकल क्या है, गाड़ियों में क्या है, बिना क्लच दबाए आप गाड़ी को चालू नहीं कर सकते, तो ये अच्छी चीज़ है। आपकी गाड़ी गियर में भी खड़ी रहेगी तो आप क्लच दबा के उसको ऑन कर सकते हैं, और न्यूट्रल करके आप जिस गियर में यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिससे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। क्या है, हैंड ब्रेक क्या है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसका अभी कम से कम उपयोग करिए बारिश तक। बारिश के बाद आप, मैं तो बोलता हूँ ऑल टाइम आपको गियर में ही गाड़ी को रात में खड़ी करनी होती है, क्योंकि अभी जो भी गाड़ी है लेटेस्ट गाड़ी, वो विदाउट क्लच प्रेसिंग स्टार्ट होती नहीं, तो ये चीज़ अच्छी है। गियर में आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके गियर को कहीं कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि गियर बॉक्स में ऑयल रहता है, गियर चिपकने या डैमेज होने का कोई भी खतरा नहीं बना रहता। तो आप अभी हैंड ब्रेक को अवॉइड करिए, गियर का यूज़ पार्किंग के समय करिए, जिससे आपकी ब्रेक की लाइफ बरकरार रहेगी, ब्रेक शू टूटने और सिलेंडर फटने का टेंशन नहीं रहेगा, ब्रेक चिपकेंगे नहीं, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ेंगे नहीं आपके ब्रेक को लेके, और ब्रेक को आप प्रॉपर बारिश में गाड़ी को वर्कशॉप, किसी भी सर्विस सेंटर में, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो ले जाइए, हमने जो प्रोसेस बताई है उसके थ्रू ब्रेक पैड, ब्रेक शू को वैसी सर्विस करा के आप बारिश तक चलाइए, और हैंड ब्रेक का यूज़ अभी ना करिए, इससे दूरी बना के रखिए और गियर का यूज़ ही करिए। अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए, अभी हमारा न्यू वीडियो आ रहा है आपके इंजन ब्रेक क्यों आ जाता है और ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम्स को लेके, तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी ही टिप्स मिलते रहेंगी आपके कार्स को लेके, सर्विस मेंटेनेंस को लेके, सर्विस शेड्यूल्स को लेके, न्यू कार्स के बारे में। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू।